उसके पंच में शेर की ताकत होनी चाहिए। आप ये स्पेशल डाइट टूर्नामेंट के लिए ले रहे हैं? वो सब मुझे नहीं पता, इससे इससे पूछो। ए बोलम, इधर आया। और ये मटन सूप, ये देख बोलम, चैनल नहीं अग्रीमेंट बनाया तेरे होने वाले मैच के लिए। फर्स्ट पॉइंट, इस मैच को खेलने के लिए तुझे मिलेंगे पूरे 1,00,000 रुपए, और जीता तो रकम दोगुनी होगी। पॉइंट नंबर 2, तू चैनल की परमिशन के बिना ये शहर छोड़ के नहीं जा सकता, समझा? ये सब कंडीशन किसके लिए? वैसे भी हमारे भेजे में गुस्सा कहाँ है? ये बताओ साइन कहाँ करना है? कर देता हूँ अभी। वेरी गुड। रुको बोल, अब इस पर साइन मत करना। क्यों? अब तुम साइन कर सकते हो। देखा तुमने, मैंने तुमसे सही मुहूर्त में साइन करवा दिए। साइन से कुछ नहीं होता, अरुमुगम को मैं ही मारूंगा। यहीं चलाएगा क्या? अरुमुगम के सर पे खून सवार है तुझे मारने का। बोल रहा था भौंकने वाला कुत्ता है तू बस। सुन, पहले जाकर उसका साइन लेकर आ, वो डरपोक कहीं भाग ना जाए। सुनिए जी, एक बार फिर सोच लीजिए। क्या रे, डर गया क्या तू? बोलम बोल रहा था कि तू डर के कहीं भाग ना जाए शहर छोड़ के। उसने बोला पहले तेरे साइन लेके आने को, लगता है सही बोला था उसने। रुकिए स्टेला। 100 साल की पारंपरिक लड़ाई, अरुमुगम की जीत का जोश, भोलम का खूनी जुनून, कौन होगा तमिलनाडु चैंपियन? अखाड़े में दो योद्धा अपनी जान की बाजी लगाते हुए। Watch live on FSC 12th of August, Saturday. Feel the heat. मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगा लौह पुरुष रसामानिकम टीम के अरुमुगम को। और अब मैं बुलाना चाहता हूं प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर टीम के बॉक्सर डांसिंग भोलम को, जो बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। तो मीडिया के जो भी लोग चाहते हैं इन दोनों से सवाल पूछ सकते हैं। अरुमुगम, सुनने में आया है कि तुम्हारे टीम के लोग हैंड ग्लव्स में पत्थर डालकर फाइट करते हैं, क्या ये सच है? नहीं नहीं, हर फाइट के पहले रेफरी ग्लव्स को चेक करके ही अंदर रिंग में भेजते हैं। बोलम, सुना है जब दूसरी टीम जीतती है तो तुम लोग घंटी बजाकर खेल रोक देते हो। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। रिंग के अंदर टाइमर होता है जो 3 मिनट बाद अपने आप बजता है। हाउ स्ट्रांग आर आवर बॉक्सर्स फॉर इंटरनेशनल बॉक्सिंग कॉम्पिटिशंस? भोलम इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एनी चैलेंज इन द वर्ल्ड। अरुमुगम, क्या आपको भोलम से हारने का डर है? मैं बॉक्सर हूँ, भोलम फाइटर है। एक फाइटर बॉक्सर को नहीं हरा सकता। तू ये कहना चाहता है कि मैं गली का गुंडा हूँ? आजा तुझे सिखा देता हूँ कि बॉक्सिंग क्या होती है। सब ध्यान दे, आप फोटो शूट के लिए हमारे दोनों फाइटर्स पोज करेंगे। आओ जाओ, तुम भी जाओ, जाओ जाओ फोटो खिंचवाओ। बाजार में डरा धमका कर तू लाचारों का सामान तो छीन सकता है, पर ये कब जीतना पड़ता है? ये मैच तो इस कप के लिए नहीं है, ये मेरे पिता के गौरव के लिए है। चला जा, फैसला कर लेते हैं अभी। भूलम, ये क्या कर रहा है तू? प्रेस वाले देख रहे हैं, गली के गुंडे की तरह हरकत कर रहा है। तूने मुझे गुंडा कैसे बोला? दिखाता हूँ तुझे असली बॉक्सर कौन है। अरे धमकी किसे देता है? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर तू कल रिंग में नहीं आया तो तेरे घर के अंदर घुसकर मारूंगा मैं। तूने मेरे गुरु पर हाथ उठाया है, मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। ए, तुम लोग इसकी मौत की तैयारी शुरू कर दो और फिर मिलकर इसकी देर भी मनाना, तुम समझे क्या? लेके चलने से चलो सब, चलो सब बाहर, चलो 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 बाहर, चलो चलो। रुको अरुमुगम, उसमें और तुम में बहुत फर्क है, तुम गुंडे नहीं हो। सब ध्यान से सुनो, आज सुबह 10 बजे भोलम अरुमुगम को हराने के लिए अंगलम्मा देवी को बलि चढ़ाने जा रहा है।
भोलम, मैं स्टेला। पता है यहाँ क्यों आई हो? आज तक हमारे टीम के बॉक्सर्स रिंग में जीतने के लिए जाते रहे हैं, मगर तुम मेरे पति को मारने के लिए रिंग में जा रहे हो। बिल्कुल सही, जीतना चाहता हूँ मैं। अरुमुगम तो मरेगा। किसी को जान से मारना जीत नहीं है भोलम, बदला है। तो क्या हुआ? पिछले 20 साल से जिस बेइज्जती के साथ जी रहा हूँ मैं, ये उसका बदला है। मेरे ससुर ने तुम्हारे पिता को बॉक्सिंग में हराया, तो क्या उसके लिए तुम उनके बेटे की जान लोगे? ऐसा करके तुम उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार को मार डालोगे भोलम। स्टेला जाओ यहाँ से, औरत हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। अपने पति के पैरों में गिरो और कहोगे मुझसे ना लड़े। तुम अनाथ हो गए, इसका दुख हमें भी है, पर इसके लिए किसी दूसरे को अनाथ बनाना चाहिए। मुझे अनाथ बनाने वाले तुम्हारे ही लोग थे। कुछ दिन खुद आने के बजाय अपनी बीवी को यहाँ पर भेजता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ आकर रोओगी, गिड़गिड़ाओगी और मैं हार जाऊंगा? नहीं, तुम बॉक्सर ही रहो, खूनी मत बनो प्लीज। चुप हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सर, मैच शुरू होने में बस एक ही घंटा बचा है, पर बिजनेस फाइनलाइज नहीं हुआ। ये लड़ाई हो रही है बिजनेस के लिए। जब तक बिजनेस फाइनलाइज नहीं होता, मैच नहीं होगा। यस, एक घंटा लेट करो मैच को। मैं चाहता हूँ ये मैच भोलम जीते, और ये चाहता है इसके खिलाड़ी अरुमुगम जीते। ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? हेलो, इंटरव्यू रोको, ऐड चलाओ, श्वेता से बात कराओ। देखिए मैं, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर। किसका इंटरव्यू ले रहे हैं? ये सब बकवास और बोरिंग है। यंगस्टर्स का इंटरव्यू लो, उनसे सवाल पूछो, तभी जोश आएगा। ओके सर। इंस्टिगेट पीपल। भोलम के प्यासे सिंधु यहाँ पीछे मौजूद है, आइए उनसे बात करें इस चैंपियनशिप के बारे में। मैडम, आज रिंग में भोलम जीतेगा या अरुमुगम, आपको क्या लगता है? भोलम इज गोइंग टू रॉक। अरुमुगम, 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 भोलम, 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 भोलम। जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नेशनल चैंपियन गुरुदयाल आ चुके हैं। गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। वी वेलकम यू मिस्टर दयाल। आपको क्या लगता है आज के मैच में कौन जीतेगा? कोई भी जीते, लेकिन वो मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकता। भोलम नौसिखिया है और वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, मगर अरुमुगम शांत और फोकस्ड है। इसलिए जहां तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि ये मैच अरुमुगम ही जीतेगा। ए, बंद करिए टीवी। हाय भोलम। क्यों बे? तुझे मैं नौसिखिया लगता हूँ? ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। हिम्मत है तो आजा। तू चंदे वापस नहीं जाएगा। ए छोड़ो मुझे। चैंपियन अपने घर में होगा। क्या हुआ? नेशनल चैंपियन है तो कुछ भी बोल देगा। हे, पहले ये फाइट तो खत्म कर, फिर दूसरी फाइट में उसे देख लेना। बिना बात के भड़कने की जरूरत नहीं है। शांत रहो। थैंक्स। इसकी आखिरी फाइट होनी चाहिए। अगर ये तेरे हाथों बच भी गया तो मैं इसे मारूंगा। आज इसी रिंग में इसे खत्म करके जाऊंगा मैं। उसा मत हो, तुम जाओ, हम देखते हैं। बॉक्सर्स गेट टुगेदर। सर टाइम हो चुका है, 20 कंपनियां फाइनल हो चुकी हैं। आप साइन करें तो कंपटीशन शुरू होगा। सर दो लोग नेमिंग राइट्स खरीदना चाहते हैं। वो सस्ते में खरीदना चाहते हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें कोई जवाब मत देना। ओके सर। आजा। Stop, stop, stop. बोलम, टेंशन मत लो, फोकस करो, फोकस, समझे? मास्टर। हाँ। तूने मेरे पति को मार डाला, तू भी इसी रिंग में मरेगा, तू कभी खुश नहीं रहेगा। तूने एक हंसने के लिए परिवार को बर्बाद कर दिया, तुझे भी कोई मारने के लिए आएगा, तू भी यही मरेगा।
भी मंदिर से तेरे लिए मन्नत मांगी थी, मगर तू तो हमें छोड़ के चला गया।